नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, शुक्रवार का दिन है। जानेंगे कि सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। लेकिन कमोडिटी बाजार का अपडेट शुरू करने से पहले आपको मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना के जो केसेस हैं लगातार हर एक राज्य में बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन केसों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो सावधानी रखें, सतर्क रहें और जो सरकार एहतियात बरतने के लिए कह रही है, जैसे कि भीड़ भाड़ में ना जाना, हाथों में ग्लव्स पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क लगा कर रखना और ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलना, इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आपकी ही सुविधा के लिए बोला जा रहा है, आपके हितों के लिए ही बोला जा रहा है और आपके घर परिवारों के लिए, तो इनसे बच के चलने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और कोरोना से अपना और अपनों का बचाव करें। कोरोना जब आता है हम देखते हैं कि जो कारोबार हैं वो भी ठप हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग वर्क फ्रॉम होम पर लौटते हैं, फिर दूसरा अब टाइमिंग भी बदल जाती है कारोबार करने की, या फिर अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर पूरी पूरी दुकानें बंद रहती हैं जिससे कि कोरोना के मामले कम किए जा सकें। ऐसे में अगर आपको भी अपने कारोबार बंद होने का डर सता रहा है तो आपके लिए आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। माई बिग ब्लिस ऐप आपको लॉकडाउन के दौरान भी घर से बैठे बैठे अपना कारोबार करने का मौका देती है। माई बिग ब्लिस के जरिए आप घर से बैठे बैठे भी लॉकडाउन में भी पैसा कमा सकते हैं। माई बिग ब्लिस ऐप से आप लॉकडाउन के दौरान अपनी सेल बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पहले से कोई व्यापारी हो तभी आप इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप चाहे एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी के और अपनी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तब भी आप इस ऐप के ज़रिए अपना काम कर सकते हैं, अपनी दुकान रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन चला सकते हैं। करना छोटा सा ये काम होगा, अपना फ़ोन उठाना है, माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको माई बिग ब्लिस ऐप पर अपनी दुकान रजिस्टर कर लेनी है। ना ही डाउनलोड का कोई चार्ज है, ना ही रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज है। माई बिग ब्लिस ऐप बिल्कुल मुफ्त है और आपकी सेल बचाने और बढ़ाने आ गई है लॉकडाउन में आपके लिए। तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कमोडिटी बाजार के अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1792 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर $22 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। कल के मुकाबले देख रहे हैं कि सोना और चांदी कहीं ना कहीं फिसलते हुए नजर आए हैं। सोना $1800 के नीचे लुढ़का है। दरअसल एक तो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे पहले खबरें निकल के सामने आई थी कि सोने चांदी की जो सेफ हेवन डिमांड होती है, यानी कि जो सुरक्षित निवेश मांग है, वो निकल सकती है। दूसरा, अब हाल ही में जो फेड की मीटिंग हुई है, फेड रिजर्व बैंक की जो मीटिंग हुई है, उसमें ये ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो फेड है आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, वक्त से पहले बढ़ोतरी कर सकता है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों पे कुछ असर पड़ सकता है। और दूसरा, आज हम देख रहे हैं कि जो डॉलर है वो तेज़ हुआ है, US ट्रेजरी यील्ड्स में तेजी है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में आज एक नरमी देखने को मिल रही है। तो ऐसे समय में सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे MCV पर। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी, एक तरफ तो देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश विदेश के अंदर, जिससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सोने चांदी की सेफ हेवन डिमांड बढ़ सकती है। दूसरा, अब फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग में ऐसा एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसी उम्मीदें हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इन दोनों के मद्देनजर आपको क्या लगता है, सोने चांदी की कीमतें कहाँ पर जाके टिकती हैं? देखिए, अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से WHO ने भी कहा है कि जो अभी ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है वो अभी बहुत ज्यादा कोई सेवरल डिसीज बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, माइल्ड सा है और अभी उसकी जो रेशो है ठीक होने की वो भी काफी सही है, तो अभी जो इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है इसके चलते सोना ऊपरी स्तरों से लुढ़का है। जो एक सेफ हेवन डिमांड हम देख रहे थे कि बाजारों के अंदर आती हुई दिखाई दे रही थी और जिसके चलते सोना $1820 के आसपास भी पहुंचा, लेकिन उसने
अपनी रेंज को ब्रीच नहीं किया है, 1780 से 1820 डॉलर स्टिल अभी भी मेंटेन है। और अब ये खबरें निकल कर आ रही है कि आगे चलकर इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है और एक बार फिर से सेफ हेवन डिमांड की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए डॉलर में स्ट्रेंथ आई है और सोना ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आया है, या यूं कहें कि घरेलू बाजारों में तो काफी नीचे आ चुका है। पहले 48,000 के ऊपर हमने इसको ट्रेड होते हुए देखा, अब 47,500 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। और जबकि विदेशी बाजारों की अगर बात की जाए तो विदेशी बाजारों में भी वही रेंज अभी भी इंटैक्ट है, 1780 से 1820 डॉलर। अभी आज बाजारों में हल्की खरीदारी आती हुई नजर आ रही है और इसके चलते सोना आज इंट्राडे में तेज हो सकता है, 47,600 तक की आज तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, जो अभी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 47,000 से 48,200-48,500 तक की अपसाइड मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, जी बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल देख रहे हैं कि आज काफी अच्छे लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। काफी समय के बाद हमने देखा है कि कच्चे तेल $80 के पार निकला है। देख रहे हैं WTI $80 पर है 0.1% की तेजी के साथ, वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.5% की तेजी के साथ $82 पर। रूपा जी, आपने पहले बता दिया था कि कच्चे तेल में आगे तेजी देखने को मिल सकती है, हमने तेजी आज बनते हुए देख लिया, आपने जो लेवल दिया था 79 से $80 का वो अचीव हो गया है। आपको यहाँ से क्या लगता है, अब कच्चे तेल में जो तेजी बनी है वो क्यों बनी है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना के तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे और सप्लाई भी जो पहले वाला प्लान था ओपेक उसी पर ही स्टिक टू रहने की बात कह रहा है, तो ऐसे में कच्चे तेल में उछाल क्यों आ रहा है? देखिए, कच्चे तेल में जो तेजी बनी है उसका मेन कारण जो है कजाकिस्तान के अंदर भी स्टॉक के लेकर चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दी हैं और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर, और उधर से ओपेक कंट्रीज की तरफ से भी जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वहां से भी सप्लाई डिस्टर्ब होने की खबरें निकल कर आ रही है। और लीबिया ने भी अपना जो आउटपुट है वो ड्रॉप कर दिया है। इस तरीके की जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं जिसके चलते कच्चे तेल में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सप्लाई डिस्टर्ब हुई है काफी कंट्रीज के अंदर, जिसकी जैसे कच्चा तेल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके मद्देनजर आज हमने देखा है कि प्राइसेस काफी अच्छे बूस्ट अप कर गए हैं और 80 डॉलर के ऊपर कच्चा तेल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहां से अभी भी बाजारों में अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे रही है और डोमेस्टिक मार्केट में कच्चा तेल हो सकता है कि 6,000 के स्तरों के पार जाता हुआ दिखाई दे आज इंट्राडे में। और वहीं ऊपरी स्तरों की अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो अभी 80 डॉलर के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 82 डॉलर है ब्रेंट, वहीं 85 डॉलर तक अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी सप्लाई डिस्टर्ब के चलते कच्चे तेल के अंदर लगातार तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो यानी कि सप्लाई डिस्टरबेंस के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ये सर जी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का बाजार भी आज कल के मुकाबले कुछ उठता हुआ नजर आया है। कल को हमने बेस मेटल्स का बाजार गिरते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि उठता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, बेस मेटल्स में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, बेस मेटल में भी पॉजिटिव है अखिलेश, मैंने हमेशा ही यही बोला है कि इसमें खरीदारी करके चलिए। और आज आप देखिए निकल वापस से बाउंस बैक कर गया और $1570 के एक बेहद करीब 1580 का हाई लग चुका है। कॉपर में वापस से तेजी आई है, 738 के आसपास है। तो कॉपर में तो फिलहाल वही रेंज है 720 से 740 की भी बनी हुई है, 740-48 मैक्सिमम अपसाइड पकड़ता है। तो अभी भी बाजारों में तेजी का रुझान है, मुझे लगता है कि निकल 1600 के स्तर छू सकता है। वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर 760 तक ऊपर आने वाले दिनों में जा सकता है। जिंक भी पॉजिटिव लग रही है, जिंक मुझे लगता है कि 300 के घरों को तोड़ती हुई ऊपरी स्तरों पर दिखाई दे सकती है। वहीं एल्यूमिनियम में भी अपसाइड मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है, जो कि 240 से 242 तक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आज आप हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन नॉन एग्री कमोडिटीज में? देखिए, क्रूड में अच्छा बाउंस बैक है तो क्रूड में ही हॉट पिक रहेगी आज, क्रूड में बाइंग में रहना चाहिए। और साथ में बेस मेटल्स के अंदर भी आज खरीदारी के अंदर पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।